हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी यूट्यूब फैमिली कैसी है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पुराना टी शर्ट लिया वो जो कि इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम इस तरीके के टी शर्ट को बिना यूज किए ही फेंक देते। लेकिन इसको फेंकने से पहले आप देख लीजिए मैंने इसका क्या बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टी शर्ट के ऊपर का साइड जो है उसको थोड़ा सा कट कर दिया है। इसको कट करके इसको मैं अलग कर लूँगी। आप कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं, जो भी आपके घर में है, छोटे बच्चे या फिर बड़े लोगों का, या तो आप वुमेन टी शर्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर के साइड का जो है उसको कट कर लिया। फिर इस तरीके से जो नीचे के साइड है थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से तिरछा सा कट कर दे रही हूँ। थोड़ा सा कैमरा सेट नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ कैसे गड़बड़ी हो गई है। तो ये देखिए मैंने तिरछा सा कट कर लिया है। इसी तरीके से ऊपर के साइड में हम थोड़ा सा तिरछा में कट कर लेंगे। देखिए जिससे मैंने ऊपर कट किया है इसी तरीके से नीचे के साइड में कट कर लेंगे। और इसको कट करने के बाद आप देखेंगे कि मैं इसका क्या बना रही हूँ। आपको अगर आइडिया कुछ आ रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों का दिमाग कितना तेज चलता है इस सब चीज़ों में। तो अगर आज की वीडियो फ्रेंड थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने टी शर्ट को उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद जो ऊपर का शर्ट साइड नहीं है, मैंने जहाँ पे कॉर्नर कट किया था थोड़ा सा, वहाँ थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी। पूरा नहीं सिलना है इसको। तो यहाँ पे आप चाहे तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इजीली जो होता है हाथ से भी सुई धागे से आप इसको सिलाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, धागा सुई जो होना चाहिए, हमारा जो धागा होना चाहिए थोड़ा सा मजबूत रहना चाहिए, ताकि इसमें जब हम कोई सामान वगैरह रखें तो वो ख़राब ना हो, ताकि गिरे ना और फटे भी ना हमारा झोला। और फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको सिल लेना है पूरा नीचे की साइड, और जहाँ जहाँ कॉर्नर मैंने कट किया था, जहाँ से मैंने ऊपर का साइड कट किया था वहाँ से कॉर्नर मैंने छोड़ा था। तो वहाँ से आप क्या करिए, थोड़ा सा छोड़ने के बाद फिर उसके बाद सिल लेना है। ये देखिए यहाँ पे मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और थोड़ा इसको फ्रेंड्स आप थोड़ा डबल धागे से ही सिलिएगा, और थोड़ा सा कॉर्नर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा। ये देखिए फिर उसके बाद आप इसको टक करके इसका जो होता है मजबूती से आप एक जगह गांठ लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मशीन से सिलेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारा काफ़ी ये मजबूत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आ ही गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैग, जो बच्चे एग्ज़ाम वगैरह या फिर कोई हमें सामान लेना जाना है मार्केट वगैरह में, तो हमारे पास बैग नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बैग हम कैरी करके काफ़ी सारे सामान ले सकते हैं। और बच्चे के जो एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें भी बहुत ही अच्छे से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टी शर्ट कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कॉटन ही लो, लाइनलॉन जो नायलॉन का होता है उसका भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, और जो नीचे के साइड में है तो हमने जहाँ पे कट किया था तो वहाँ पे सिलाई ही लगा ही हुआ, तो वहाँ पे हमें सिलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं ये यहाँ पे कुछ जैसे रस्सी वगैरह जो होता है फाल होता नहीं हमारा, तो वो लिया। आप चाहे तो डोरी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉल जो था उसी को मैंने दो भागों में डिवाइड करके कट कर लिया। ये देखिए मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। आप चाहे तो डोरी भी ले सकते हैं, तो मैं बाद में डोरी ले आकर इसमें डोरी डाल दूँगी। तो अब मैं इसको पिन की हेल्प से, जो सिक्टी पिन होता है, ये देखिए यहाँ से मैं इसको फंसा लूँगी, और बहुत ही अच्छे से मैं इसको इसमें एक तरफ डाल दूँगी, दोनों तरफ हमें डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे पिन बहुत ही आसानी से चला जा रहा है। तो एक साइड हमें इस तरीके से थोड़ा सा ये हमारा फॉल है थोड़ा सा फंस रहा है, लेकिन जब एक बार ये चला जाता है तो फिर ये फंसता नहीं है। लेकिन अगर आप इसके जगह जो होता है रस्सी वगैरह, जो डोरी वगैरह होता है, अगर जो नाड़े में हम यूज करते हैं अपने पैजामा या पेटीकोट में, तो उसको लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरा एक तरफ ये डल चुका है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी, जो हमारा बच्चा है वहाँ वहाँ पर भी हम
इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें डाला है डोरी, उसी तरीके से उस साइड भी हम सिक्टी पिन की हेल्प से हम डाल देते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी वाली हेल्पफुल लगे तो इसको कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हमारा बन गया है, हमारी जो अच्छा सा बैग मजबूत सा, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम पे हमारा बनकर रेडी हो जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपका जो होता है, जो सामान होता है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारी टी शर्ट ज़्यादा फटे ना रहे किनारे उनारे से, क्योंकि अगर फटे रहेंगे तो वो हमारे जब भी इसमें कोई सामान रखेंगे तो वो हमारा गिर जाएगा। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसको बराबर कर लिया है, और जहाँ से मैंने थोड़ा सा कॉर्नर छोड़ा नहीं था कि मैं यहाँ पे सिलाई नहीं करूँगी, तो इसको मैं इसी तरीके से इसके अंदर डालकर उल्टा करके फिर ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, इस तरीके से आप देखिए इसमें, तो सीधे की तरफ से मैं इसको डालते हुए फिर जो उल्टा हो जाएगा तो वहाँ से मैं आधा इसको मतलब गांठ लगा दूंगी, ताकि ये हमारा निकले ना, और बहुत ही अच्छे से हमारा ये मजबूती से ये हमारा जो बंधन होता है ये हमारा बनकर रेडी हो गया। ये देखिए मेरी उंगली निकल आई, यहीं से हमें इसको करके इस तरीके से खींच लेना है, खींच कर फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको गट्ठी मार लेंगे। गट्ठी फ्रेंड थोड़ा मजबूती से ही बांधिएगा ताकि हमारा खुले ना, ताकि अगर इसको बच्चे वगैरह करे कैरी करे टांगे वगैरह जब ये टांगे तो ताकि ये हमारा निकले ना, नहीं तो अगर गट्ठी हमारी कमज़ोर रहेगी तो वो हमारा गिर भी सकता है। और अगर आप गट्ठी लगाने के बाद फिर उसके बाद इसको दोबारा से भी सिलाई इसमें कर सकते हैं, इससे क्या होगा हमारा मजबूत हो जाएगा, फिर ये हमारा जो है ये बंधन ये निकलेगा नहीं। तो जब भी आप इसको करिए तो इसमें थोड़ा सा मतलब इसको भी सिल लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा बंधन बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, क्योंकि गांठ का क्या है वो तो वापस से फिर खुल सकता है, मतलब कि निकल सकता है। तो ये देखिए हमारा बैग कैरी बैग जो होता है फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। जैसे आप कहीं जा रहे हैं या बच्चे एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो क्या कहते हैं इसमें अपना टिफ़िन और एक बोतल और कुछ पेंसिल बॉक्स वगैरह डालकर या एक कॉपी डालकर इसका वो यूज अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो अगर आपको कुछ सामान लेना है तो भी आप इसको आराम से इस तरीके से गाँट करके आप आराम से इसको ले सकते हैं। ये मतलब आप टांगेंगे भी नहीं ना तो भी इस तरीके से जैसे पोटली नहीं होती है इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बैग बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए आपसे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।